नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, मैं आज का जो विषय है मेरा वो वेस्ट डिकम्पोजर को लेके है कि वेस्ट डिकम्पोजर मेरे पास है, जो कुछ लोगों ने पूछा है कि आप अपनी छत के ऊपर, और देखिए मैं इसको अभी चलाता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर को भी चलाता हूँ। अभी आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए वेस्ट डिकम्पोजर। और इसको मैंने जैसे ही डंडे से चलाया, देखिए जैसे मैंने इसको डंडे से चलाया तो इसके अंदर से बड़ी सनसाए साए की आवाज़ आ रही है, सनसराहट बहुत तेज़ इसके अंदर से साए साए की आवाज़ आ रही। मैं ऐसे कान लगा रहा हूँ तो इसके अंदर बहुत तेज़ साए साए की आवाज़ आ रही है। ये इतना सुंदर वेस्ट डिकम्पोजर है कि जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी ऑर्गेनिक खेती कर पाता हूँ। इसी की से मैं सारी अपनी खादें बनाता हूँ। जो देख रहे हैं, मैंने अब की बार, मेरे वीडियो आप देख लीजिएगा कि मैंने अब की बार सवा सवा किलो की, डेढ़ डेढ़ किलो के ब्रोकली तोड़ी है, अपने छत से दो दो किलो का गोभी का फूल तोड़ा है और इतना सुंदर, इतना अच्छा परिणाम मिला है कि मेरे को इसके पहले कभी ऐसा परिणाम नहीं मिला। इसी से मैं क्या करता था, इसी से मैं आपको इधर दिखा दूं कि इसी से, ये देखिए मेरे पास कितनी तरह की खादें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, मैं अभी डंडे से आपको चला के दिखाता हूँ कि, अभी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको डंडे से चला के दिखाता हूँ। इधर से मैं डंडा ले लेता हूँ और देखिए इसके अंदर मैंने क्या क्या डाल रखा है। ये देखिए, ये पूरा बेस डिकम्पोजर से भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने दो किलो गाय का कच्चा गोबर डाला हुआ है, आधा किलो इसके अंदर बेसन डाला हुआ है और 250 ग्राम गुड़ डाला हुआ है। और इसी को मैं अपने सिंचाई जब करता हूँ इसी को इसमें ले लेता हूँ। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास बेस डिकम्पोजर मैंने इसके अंदर भर रखा हुआ है और ये केवल मैंने लोहे की बाल्टी में डाल रखा है, जिससे ये बेस डिकम्पोजर इस लोहे की बाल्टी से आयरन निकाल लेगा। ये देखिए, इससे आयरन निकाल लेगा। और ये इधर देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि ये इधर मैंने प्याज के छिलके बेस डिकम्पोजर के अंदर गला रखे हैं। ये देखिए, ये प्याज के छिलके बेस डिकम्पोजर के अंदर गला रखे हैं। इसका भी मैं पानी पौधों में अपने इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे पास मट्ठा है, ये मेरे पास मट्ठा है और इस मट्ठे को देखो, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। इस मट्ठे के अंदर मैंने 5 किलो सपेटा वाला दही लेके और मिक्सी में चला के इसके अंदर भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने कापर के टुकड़े डाल रखे हैं। अगर कभी भी किसी पौधे में मरोड़िया रोग लग जाए, पत्ते के ऊपर, टमाटर के ऊपर, किसी भी, तो कापर पड़ा होने की वजह से ये कापर ऑक्साइड बन जाता है। और इस पर भी मैंने पूरा बेस डिकम्पोजर भरा हुआ। और मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये मेरे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं। ये देखिए, ये मेरे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स बने हुए हैं। इसमें मैंने 5-6 तरह की दालें और 1 किलो सरसों की खली और 1 किलो तिल की खली इसके अंदर मैंने डाल रखा है। और इसके अंदर मैंने कई तरह की दालें, जितनी दालें होती हैं वो दालें सब इसके अंदर पीस के माइन माइन ये सब डाल रखा है। देखिए, ये भी मैं प्रयोग करता हूँ, इससे मैं अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाता हूँ। देखिए, इसको मैं ढक देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि इस तरह से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि भैया आप कैसे अपनी इतनी अच्छी फसल उगा लेते हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से अच्छी फसल उगाता हूँ, मगर इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बेस डिकम्पोजर। कि बेस डिकम्पोजर का नाम ही आप देखिए, वो ख़राब चीज़ को, बेस्ट चीज़ को डिकम्पोज कर देता है, इसका ये काम है। इसीलिए मैंने बेस डिकम्पोजर को इस्तेमाल किया है। देखिए, ये इस डंडे को, जो मेरा
ये सही वाला बेस डिकम्पोजर जिसमें कुछ नहीं मिला है, इस डंडे को मैं इसमें नहीं डालूंगा। इसके लिए मैंने एक अलग से डंडा रखा है, इससे मैं इसको चलाऊंगा। देखो जब मैं इसको ऐसे चलाता हूँ सुबह शाम तो इसके अंदर से साएं साएं की आवाज़ आती है। ये देखिए इसके अंदर से साएं साएं की आवाज़ आती है। और इसी बेस डिकम्पोजर के पांच बूंद से, इसी बेस डिकम्पोजर के पांच बूंद से मैंने ये देखिए 130 लीटर बेस डिकम्पोजर तैयार किया है। इसके अंदर मैंने 1.25 किलो गुड़ डाला था और पानी से भर दिया था। और देखिए ये 7 दिन के अंदर 5 बूंद से बेस डिकम्पोजर मेरा तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा बेस डिकम्पोजर तैयार हुआ, ये आप देखिए। और इसके अंदर से भी साएं साएं की आवाज़ आ रही है, इसके अंदर से भी मैं आपको सुना, मैं सुन पा रहा हूँ बहुत तेज़ इसके अंदर से साएं साएं की आवाज़ आ रही है। अभी मैंने इसको 5 बूंद से बनाया है, अगली बार जब मैं ख़त्म हो जाएगा ये मेरा, आज मैं इससे सिंचाई करूँगा अपने बगीचे के अंदर, अगर जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर अबकी बार 4 बूंद डालूंगा, फिर देखूँगा ये मेरा मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी समय से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ बेस डिकम्पोजर का, और ये हर बार मल्टीप्लाई होता है। अबकी बार मैं इसका 4 बूंद डाल के देखूँगा बेस डिकम्पोजर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।